देश में सरकार लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंस बनाने की अपील कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने घरों में रहने के लिए अपील कर समझा रही है कि कोई भी व्यक्ति बाहरी लोगों के संपर्क में न आए। दिल्ली की लेकिन बुराड़ी विधानसभा में राशन की दुकानों पर लोगों की सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि बुराड़ी गाँव में कई राशन की दुकानें हैं जिन पर आसपास के कॉलोनियों और इलाकों से लोग राशन लेने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंस का खुलकर मखौल उड़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहां लोगों के मुंह पर ना तो मास्क है और ना ही इन लोगों के बीच में एक मीटर का फासला। राशन की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, जबकि दूसरे लोग इन लोगों को पर्ची बनाकर दे रहे हैं कि नंबर आने पर राशन लेने आ जाना, लेकिन कोई भी अपने घर जाने को तैयार नहीं है। 500, 700, 1000, 1500 तक आदमी इकट्ठा हो जाता है। 3 दिन से हमें जो है सफर कर रहे हैं। क्या वजह है? वजह है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक दुकान यहाँ है, एक 40 मीटर के दायरे पे दूसरी दुकान है। दोनों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और इतनी बड़ी गैदरिंग हो जाती है, रोज 100 नंबर की कॉल होती है यहाँ से, कम से कम 20-20। अच्छा, सरकार बार बार अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, या क्या यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग दिख रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, यहाँ तो एक आदमी दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। आप थोड़ा सा दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ एक आदमी दूसरे बिल्कुल चिपका हुआ खड़ा है। अभी दिल्ली मेरा सुनने में आ रहा है 3रे नंबर पे आ गई है कोरोना केसेस के मामले में। इसी तरह का माहौल रहा तो पहले नंबर पे आने से कोई नहीं रोक पाए।